खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। ग्यारसपुर जनपद में हुई अमृत वचनों की वर्षा। बाल ब्रह्मचारी संत श्री बसंत जी महाराज वर्षा काल के दौरान चतुर्मास ग्यारसपुर में कर रहे हैं ग्रामीणों के विशेष आग्रह एवं जनमानस की भावनाओं एवं उनके कल्याण के लिए आज ग्यारसपुर की जनपद के सभागार में बाल ब्रह्मचारी संत श्री बसंत जी महाराज ने अपने प्रवचनों में मानव के कल्याण के कई उदाहरण दिए, जिनमें से एक उदाहरण देते हुए महाराज जी ने कहा, आसमान से पानी की बूंदें गिरती हैं, ज़मीन पर एक आम की जड़ में जाती हैं तो मीठी हो जाती हैं, एक बूंद नींबू की जड़ में जाती है तो खट्टी हो जाती है, एक बूंद नीम की जड़ में जाती है तो कड़वी हो जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा शरीर रूपी माता के गर्भ में आता है तो और उसके जैसा माहौल वातावरण मिलता है और उसको जैसा वातावरण माहौल मिलता है वैसा ही ढल जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग नियमित करने से पापी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। अपने जीवन में जीवन मुक्त महापुरुषों संतों का सत्संग यदि मिल जाए तो प्राणी का कल्याण होने में देर नहीं लगती। इस प्रकार बाल ब्रह्मचारी संत श्री बसंत महाराज जी ने अपने प्रवचनों में जीव के कल्याण के अनेक उदाहरण दिए। जनपद ग्यारसपुर के सभागार जनपद के CEO तहसीलदार जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने महाराज जी के अमृत वचनों को जीवन में एवं व्यवहार में उतारने का संकल्प भी लिया। नहीं है व्यक्ति घर में रहकर भी छुपा रुस्तम हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन कहां पहुंच जाए ये कोई पहचान ना सकता। और ऐसा ही कार्य होना चाहिए। घर से ही प्रारंभ होता है, जंगल से मन से प्रारंभ नहीं। जिनसे घर माही नहीं बनी वे वन माही क्या करेंगे। घर से ही धर्म की शुरुआत होती है। तो सत्संग में बैठना है। अब ये तो ऐसी चीज हो गई कि आप दिया जला कर दिए बैठे हैं और ये सारे लोग मुझे दीपक लेके आए हैं तो इनमें क्या परिवर्तन होगा। कि क्या परिवर्तन, जो दिया जुड़ जाएगा वो जल जाएगा। और ये चीज तो होनी चाहिए, अगर व्यक्ति सत्संग कर रहा है, किसी संत के सानिध्य में है, किसी विद्वान से कोई बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो ये बात तो तय है कि जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसने सत्संग का महत्व ही नहीं समझा। और आपने बड़ी प्यारी जिज्ञासा रखी है, हम आपसे बता दें हमारे यहाँ सत्संग में जो भी लोग आते हैं हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनके आंतरिक विकारों में कमियाँ आ रही हैं, उनके मन में पवित्रता आ रही है, चित्त शुद्धि का भी कार्य हो रहा है। क्योंकि ध्यान और ज्ञान जब हम दोनों से व्यक्ति के जीवन का परिष्करण करने का प्रयास करते हैं तो जहाँ ज्ञान से मानसिक शुद्धि आती है वहीं ध्यान से आत्मिक शुद्धि का भी जागरण होता है। तो सत्संग में बैठने से व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आता है, उसकी व्यवहारिक क्रियाचर्या में आचरण में परिवर्तन आता है। कल तक वो गुस्सा करता था, आज उसके क्रोध में कमी आ रही है। किसी के साथ चिड़चिड़ा होता था, आज वो परिणाम उसके कम पड़ रहे हैं। किसी के साथ गलत काम करता था, झूठ बोलता था, वो चीज़ें कम हो रही हैं। यानी पापों में कमी आती है, व्यवहारिक जीवन में प्रेम प्रगाढ़ होता है, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य की भावनाओं में प्रगाढ़ता आती है। खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से कैमरामैन सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।